तुम मुझे मोटा मोटा ये बताओ, तुम शादी क्यों करना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगा। अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, सेक्स करने के लिए, हवस मिटाने के लिए। मैं मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अगर तुम भी इन्हीं बातों मिल जाओ तो बहन चो तुम्हारे आगे नहीं बढ़ने का कारण तुम खुद हो। नीली है सलवार, नीला कच्छा है, अब न दूंगी। ये लौंडा शादी की रील पेल पेल के न्यूज में आ गया, दहेज का पैसा वसूल कर लिया। हाँ सही सुना तुमने, इसको और इसकी हरकतों को देख तो लगता नहीं है बहनचोद कि इसको दहेज मिला होगा, उल्टा ये दिया होगा दहेज। विराट कैटरीना कियारा को लग रहा होगा बहनचोद हमारी शादी तो अलग ही हाइप क्रिएट करी है। जी लंड मेरा राजा ब्लॉग का नाम सुना है? नहीं। इश्क है तो इश्क का इजहार। नॉर्मल लोग शादी से पहले ड्रेस का कलर चूज करके रखते हैं, और बहनचोद ये गांडू गानों का प्लेलिस्ट सेव करके रखा था कि बहनचोद हर रसम पे एक रील चोदनी है। कौन है ये लोग? बहनचोद पता नहीं चल रहा ये शादी में रील्स बना रहा है या फिर रील्स में शादी कर रहा है। इंडियन ब्लॉगर इज नॉट फॉर बिगनर। खैर शुरू करते हैं बिना किसी मुनव्वर और यूके 07 एडर के फाइट के। दो अनजाने का बाप अभी भी सदमे में है कि बहनचोद मैं तो शादी में आया था, ये दोनों होली क्यों खेल रहे हैं। छोड़ो भेड़, भोसड़ी का ये कौन सी शादी है जहाँ बिना पंडित की शादी हो रही है, वो भी पिंक सिंदूर लगा के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, इसीलिए कहते हैं खानदान में किसी एक का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। मगर क्यों? ओहो हो, इसका एक्सप्रेशन देख के तो बहनचोद शाहरुख खान भी शर्मा जाए। क्या बोले, रे मिल। इस लड़की का हिडन टैलेंट देख के लग रहा है बहनचोद अच्छा ऑडिशन मुंबई में होता है। खामा है जो हाथ तेरा, अंजाम से ना डरूंगा। अब और बोलो, तुम लोग सरकारी नौकरी करनी है? सरकारी नौकरी के लिए बहनचोद सरकारी नौकरी भाई के लंड पे, भाई बकचोदी करके अपने औकात के बाहर वाली लड़की को ले आया। जलवा है हमारा। अबे गांडू रील पे ही शुरू हो जाएगा क्या? अगर मेरी आंखें बराबर काम कर रही है तो बहनचोद ये तो दूसरी लड़की है। पहली शादी खत्म होते ही दूसरी मिल गई। उधर सेलमन भाई को एक नहीं मिल रही और बहनचोद इस ब्लैक पैंथर को देख लो। मेरा लीड जी है ऐसी जिंदगी। पता नहीं बहनचोद लोगों को क्या होता जा रहा है, कोई शादी करता लोग उसको ट्रेंड करवा देते हैं। मनोज देखिए आधी जिंदगी निकल गई, बहनचोद अपनी स्ट्रगल स्टोरी चौथे चौथे वो लंड ट्रेंडिंग पेज क्या होता है उसे पता भी नहीं होगा, और बहनचोद लड़की लेके भागा वो ट्रेंड करने लगा यूट्यूब पे। इसका रील देखने के बाद बहनचोद समझ में आया कि बहनचोद शादी में इतने रसम भी होते हैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बात है कसम से। तुम लोगों को क्या लगता है ये शादी की वजह से फेमस हुआ? बिल्कुल नहीं। वो जो पहले वीडियो आया करता था मिर्ची खा के कि हम लोग गरीब हैं हमें कोई लाइक नहीं करता, ये भोसड़ी का वही है। ऐसा करने के बाद भी लोगों की शादी हो रही है और तुम सोच रहे हो बहनचोद कि वो सामने से आके बोलेगी तब मैं मानूंगा। तुम्हारे नसीब में हिलाना ही लिखा है। इसका बाप भी कह रहा होगा बहनचोद अगर उस रात हिला के सो जाता या फिर बर्फ डाल लिया होता पेंट में तो बहनचोद ये बकचोदी नहीं देखनी पड़ती आज। जा रहे सापुर पटोरी, बढ़िया तरीके से रेडी हो गए हैं, हमारी प्यारी देवी जी जो है क्रीम लगाती है। भोसड़ी के फ्लेवर भी बता दे, देवी जी को कौन सा फ्लेवर पसंद है? बहनचोद इतना ट्रांसपेरेंट तो लोग ऑफ करना भी नहीं होते। क्या लाना? शादी वाली चिप्स, मिठाई और दवा, चॉकलेट और दवा और कोल्ड ड्रिंक। अरे वाह क्या बात, कोल्ड ड्रिंक मम्मी जी ने नहीं देखी, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? चुपके से ये गांडू ब्लॉग बना रहा है। ये तो वही बात होगी बिग बॉस वाले नेशनल टेलीविजन पे कह रहा है कि बहनचोद हम चुपके से राइडर की ले लेते हैं। सारी उम्र में जो क्या लाना है बोलिए, आपका जो मन करे ले आइए, हम तो आपको लेके चले आए। बॉलीवुड भाई के लंड पे करण जौहर के स्क्रिप्टेड फिल्मों से ज्यादा रोमांटिक तो बहनचोद इसका स्क्रिप्टेड व्लॉग है। नाइट में वाइफ को पीरियड आ गया, दर्द से रो रो कर परेशान। जितना ये अपने सब्सक्राइबर के साथ खुल चुका है बहनचोद, जितना तो लोग अपने परिवार के साथ नहीं खुलते। ये तो शुक्र मनाओ कि भाई को यूट्यूब का गाइडलाइन रोक रखा, नहीं तो बहनचोद तुम्हें 4K में वीडियो प्रोवाइड करते। जिंदगी में मुझे बहनचोद इतना ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए था कि बहनचोद वीडियो तो माही चुदाई, मैं बस कैमरा खोल के पब्लिक प्लेस में अपना थोपड़ा देख सकूं। देवी जी खाने में आज क्या क्या बना है? आज खाने में सिर्फ रोटी बनी है। क्यों, सब्जी क्यों नहीं बना? क्योंकि आप तेल और प्याज लाए ही नहीं थे। वाह क्या खतरनाक स्क्रिप्ट लिखा है भाई ने। ब्रो गॉट 14 मिस कॉल फ्रॉम ऑस्कर। बहनचोद तेल तो ऊपर रखा है, आपके पेट्रोल में बनता है तेरे घर पे सब्जी? अबे वो शर्मा नहीं सोच रही है कि बहनचोद किस चूतिया के चक्कर में रह गई। ए
ऐसे फेमस होने से अच्छा बहन चोद लोग मुजरा कर ले। इसकी बकचोदी देख के बहन चोद मुजरा वालों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। अच्छा था पहले नेट महंगा था, कम से कम कॉमेडी के नाम पे ऐसी बकचोदी तो नहीं देखने को मिलती थी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे भटकते भटकते आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं भी जा रहा हूँ, बाय। अबे शुक्ला सुन इधर, तू भी कहीं चाय की टपरी डाल ले, उसी में मुझे स्कोप दिख रहा है।